किसान भाइयों, जांच के लिए मिट्टी का नमूना लेते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है। जैसे खाद या उर्वरक डाले गए स्थान से नमूना नहीं लेना चाहिए, वृक्षों के नीचे से नमूना ना लें, सिंचाई की नाली या मेड़ के बिल्कुल पास से नमूना नहीं लेना चाहिए। खेत में अगर खड़ी फसल से नमूना लेना हो तो पंक्तियों के बीच से ही नमूना लेना चाहिए। अगर फसल के लिए नमूना ले रहे हो तो सतह से 6 इंच गहराई तक लें। वहीं अगर उद्यानीकरण के लिए नमूना लेना हो तो सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक नमूना लेना बेहतर होता है। ध्यान रहे, फसल बुआई से लगभग 15 से 20 दिन पहले ही नमूना प्रयोगशाला को भेज देना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये नमूना कहाँ भेजना होता है और उसमें कितने पैसे लगते हैं। तो आपको बता दें कि आप जब चाहें अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके वहाँ से सहयोग पा सकते हैं। और खास बात तो ये कि मिट्टी जांच की सुविधा हर केविके में निःशुल्क दी जाती है, इसलिए आप मिट्टी का नमूना किसी भी केविके में जमा कर वहीं से जांच की रिपोर्ट पा सकते हैं।